Hello guys, welcome to our YouTube channel PHONEFIX Hyderabad, a chip level mobile repair training institute and ISO 9001 to 2015. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest videos. Thank you very much. Hello friends, welcome to our YouTube channel PHONEFIX Hyderabad. Jaise ke friends, aapke liye har bar hum kuch na kuch ek solution lekar aate hain aur aaj bhi mere paas yahan pe aap dekh sakte hain background mein mere paas yahan pe ek circuit diagram bana hua hai जो कि Oppo A5 का डायग्राम है, जो कि अभी रनिंग मॉडल ही हो सकता है आपके पास, ये वाला आपके पास मॉडल आ जाए। और ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये ग्राफिक प्रॉब्लम के लिए बनाया है, ग्राफिक का हमने सेक्शन यहाँ पे बनाया है जिसको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफी सारे स्टूडेंट है जो कि सोल्यूशन के वीडियो पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है एंड्रॉइड की, जो कि 20 दिन की ट्रेनिंग है। ये कम्प्लीट कोर्स है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और EMMC प्रोग्रामिंग, UFI और easyjtag, ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें 10 घंटा डेली क्लास होती है। रहने के लिए रूम फ्री दिया जाता है आपको। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में हमारा इंस्टीट्यूट है, चाहे तो आप आ सकते हैं। नेक्स्ट बैच जनवरी का बुकिंग चल रहा है, चाहे तो आप जनवरी के बैच में आ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक दूसरा बैच है जो की EMMC कोर्स है, जिसमें EMMC प्लस डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड CPU, व्हाइट पेस्टेड CPU और काफी सारे हार्डवेयर के आपको उसमें सोल्यूशन मिलने वाले हैं। और सभी हमारे कोर्सेज में DSO की बिल्कुल ही फ्री ट्रेनिंग आपको दी जाती है। साथ ही साथ ग्लास का काम आपको फ्री यहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है कैसे आपका आपका डिस्प्ले वगैरह चेंज किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे पास आईफोन का एक बैच होता है हर महीना, जो कि 15 दिन की क्लास होती है, जिसमें आपको CPU लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक से लेके जितने भी CPU आते हैं, चाहे आईफोन 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, या 9, 10, 11, 12, 13 का CPU हो, सारे CPU आपसे लाइव डन करवाते हैं। फेस आईडी, फिंगरप्रिंट, 9 अपग्रेड करना, उसका स्टोरेज बढ़ाना या फिर उसका रैम निकाल के आपको चेंज करना है, या जितने भी पैनिक एरर्स होते हैं सारे पैनिक एरर्स यहाँ पे बताए जाते हैं, या कैमरा एरर, डिस्प्ले एरर, लाइट नहीं आ रही है, ग्राफिक नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मॉडर्न फर्मवेयर नहीं आ रही है, सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो एक PHONEFIX हैदराबाद एक कंप्लीट कोर्स है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, सारी डिटेल कोर्स की ले लीजिए। इंडिया में सबसे कम फीस में हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है और हमारा जो सिलेबस है सभी इंडिया में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं सबसे ज्यादा हमारे पास सिलेबस है और सब कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे कराया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में मैंने यहाँ पे कनेक्टर बनाया है, जिसमें 44 पिन का कनेक्टर यहाँ पे हमने बनाया है। तो जिसमें आप देखोगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे मैंने CPU बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU बनाया है। और हम जो पूरी की पूरी डिटेल क्लास है वो हम क्लास में बताते हैं बच्चों को कि कौन सी लाइन में क्या वर्किंग किया जाता है, कौन सी लाइन का क्या काम है, सब कुछ आपको क्लास में सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे CPU हमने बनाया है और यहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो 10 लाइन देख रहे हैं आप, इसको MIPI लाइन बोलते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, MIPI लाइन, जहाँ पे आपको 10 लाइन होती है जिसमें से 2 क्लॉक की सप्लाई होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और बाकी की जो 8 सप्लाई है वो डाटा की सप्लाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डुअल कॉइल के ऊपर आती है, जैसा एक देख सकते हैं 5 यहाँ पे कॉइल लगे हुए हैं, एक पैकेज कॉइल जिसे कहा जाता है। तो उसके बाद वो जो सप्लाई होती है हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पे आती है। तो बहुत बार आप देखा जाता है डिस्प्ले कनेक्टर लूज हो जाता है, वाटर डैमेज की वजह से शॉर्टिंग आ जाती है, या कोई पिन टूट जाती है, तो यहाँ पे आपका ग्राफिक नहीं आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी एक लाइन CPU से मिस हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे डाटा आता है CPU से, तो कोई भी एक लाइन यहाँ पे अगर से मिस हो जाती है तो भी आपका ग्राफिक यहाँ पे नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 लाइन्स यहाँ पे MIPI लाइन के ऊपर, अगर आप देखेंगे डाटा 0, डाटा 1 और डाटा 2, आईडी 0, आईडी 1 और आईडी 2, तीनों का तीनों CPU के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये डिस्प्ले आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 लाइन यहाँ पे यूज किया गया है, जिसमें डाटा 0, डाटा 1 और डाटा 2, यानी कि 3 लाइन यहाँ पे आपको CPU के साथ ही कनेक्टेड है। इसके अलावा फ्रेंड, 2 लाइन और CPU के साथ कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले TE, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको टीयरिंग इफेक्ट कहा जाता है, जहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और ये भी आपका सीधा जाता है 0 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है इस लाइन में। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाए तो भी आपका डिस्प्ले में
टेयरिंग इफेक्ट्स के प्रॉब्लम आ सकती है और ये जाता है आपका सीधा 14 नंबर पिन के साथ। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और रेड कलर की लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि सीधा 12 नंबर पिन के साथ जा रहा है और ये जो है एलसीडी रीसेट नेगेटिव लाइन है जहां पे आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे और बीच में यहाँ पे R2108 जो कि एक 0 ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रीसेट लाइन में आपको वोल्टेजेस आते हैं, रीसेट लाइन में सीपीयू से डाटा आता है जहां पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.8 के आसपास। अगर ये लाइन मिस होती है तो आपके हैंडसेट में रेड डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले, ब्लैंक डिस्प्ले का प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है क्योंकि रीसेट लाइन यहाँ पे मिसिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 VIO वोल्टेज है जहां पे कैपेसिटर एक पैरेलल में लगा मिलेगा और ये 1.8 जो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स ये आता है आपका पावर आईसी से जो के वोल्टेज इनपुट और आउटपुट जिसे कहा जाता है। तो ये वोल्टेज अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको देखना है कि कहीं पावर आईसी से लाइन मिस है, अगर उसमें शॉर्टिंग आ रही है तो देखना है पैरेलल कंपोनेंट कोई मिस है क्योंकि फ्रेंड्स जो लाइन होती है सप्लाई लाइन वहां पे पैरेलल या तो फिर सीरीज कंपोनेंट यूज किए जाते हैं और अगर सीरीज में कंपोनेंट मिलेंगे आपको तो कॉइल मिलेगा, रेजिस्टर मिलेगा, जीरो ओम्स का आपको रेजिस्टर मिल सकता है या तो फिर फ्यूज मिल सकता है और पैरेलल में हमेशा आपको कैपेसिटर मिलेगा या फिर जीना डायोड मिलेगा या फिर टीवीएस डायोड वहां पे आपको देखने में मिल सकता है प्रोटेक्शन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा 18 और 20 नंबर पिन पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वीएसपी और वीएसएन की सप्लाई मिलेगी जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वोल्टेज होता है जो कि हमेशा हमेशा ग्राफिक आईसी से आता है। तो यहाँ पे +5 और -5 वोल्टेज मिलेगा जो कि ग्राफिक आईसी से आता है। अगर ये वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं तो आपको ट्रैक चेक करना है, ग्राफिक आईसी को चेक करना है और अगर आईसी आपका खराब है तो आपको आईसी को चेंज करना पड़ेगा और अगर आईसी वर्क नहीं कर रहा है तो इसकी जो इनपुट सप्लाई होती है जहां पे आपको वीपीएस सप्लाई इनपुट में देखने को मिलेगी वो सप्लाई आपको चेक करना है और ग्राफिक आईसी के अंदर आई टू सी लाइन होती है या ईएन लाइन होती है उस लाइनों को आपको चेक करना होता है कितना वोल्टेज आता है, कैसे काम करती है, कितने बॉल्स होते हैं, मीडियाटेक और कॉलकॉम में कौन सा ग्राफिक आईसी मिलेगा, सैमसंग में कौन सा आईसी मिलेगा, ये आपको सीखने को मिलेगा हमारी लाइव क्लास के अंदर। अगर आपको सीखना है ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद जो कि डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके आप सीट बुक करा लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है ओप्पो A5 का। तो फ्रेंड्स ये सर्किट को कैसे समझना है, सर्किट को कैसे बनाना है डायग्राम, ये आपको क्लास में सिखाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और अपना नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर दें। मिलते हैं इसी तरह से किसी और प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। आराम से, डिस्प्ले खराब नहीं होना, आराम से रखो, नहीं ऐसा खोल के रख लो इधर, वो जरूरत नहीं है बस खाली ऐसे ऐसे बस ऐसे रहने दो, इधर लगा दो और ये पावर की यहीं पे है। दबाओ पावर की, अच्छे से लगाओ, दबाओ, वो नहीं नीचे वाला होगा तुम्हारा, निकल ये नीचे वाला, ये वाला है पावर की, ये व्हाइट पकड़ के रखो, वेरी गुड। वन टाइम एक बार इनके लिए क्लैप्स करिए सब लोग, वेरी गुड। क्या लगा है इसमें अभी? अभी EMMC रिप्लेस किया। फोटो वोटो कुछ है? फोटो वोटो है जरा बताओ। जैसे यहाँ पे वन टाइम सक्सेस, ये रहा सर, ये रहा,
ये मैंने इसको एक रिबलिंग करे हाँ रिबलिंग करे ये इसका वीडियो भी है। अच्छा ठीक है, एमएमसी भी निकाल के रखे। जी जी जी, कैसा लग रहा है अभी वन टाइम में सक्सेस करे? कहाँ से है तुम? थोड़ा दूर से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? उड़ीसा में कहाँ रहते? केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा पहले कभी ऐसा ट्रिक देखे क्या, रिबॉलिंग भी कर रहे थे पहले? कोशिश करते थे क्या कभी? नहीं, पहले एक बार कोशिश किया था लेकिन ट्रैक उखड़ जाते थे। अभी वन टाइम में तुम एमएमसी निकाले, रिवॉल्व करे, लगाए, कैसा फील हो रहा? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। कोई उड़ीसा से आना चाहे तो उसको क्या बोलेंगे? जरूर आए सर, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था ये ऑन होगा, फिर जब ऑन डिस्प्ले फिर ऑन बोर्ड को निकाल के फिर बिठाया तो उड़िया आती है तुम्हारे को उड़िया।